मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं किस तरीके से आप डायलिसिस फ्री हो सकते हैं। किडनी की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, पेट से संबंधित किसी भी तरह का रोग हो, तो उसे आप आसानी से और जड़ से ठीक कर सकते हैं। सिम्टम को दबाकर और मेडिसिन लेकर बीमारियों को ठीक करने से क्या होता है, वो बीमारी धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। जैसे एक सिलेंडर है, उसमें आप गैस को कब तक भर सकते हैं, जब तक उसकी कैपेसिटी है, उसके जो वाल है, उसकी क्षमता है, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। इन द सिमिलर वे बॉडी ऑर्गन्स जो है अंदर के, उसकी एक क्षमता है, लीवर की एक क्षमता है, किडनी की एक लिमिट है। टॉक्सिन्स आप कब तक उसमें भरते रहेंगे, और मेडिसिन क्या करता है, टॉक्सिन्स को कहीं ना कहीं वहाँ से उठा कर, जहाँ आपको दिक्कत है वहाँ से उठा कर कहीं और डिपॉजिट करते रहता है। मतलब कहीं ना कहीं यदि किडनी में दिक्कत है तो टॉक्सिन्स उठा के किडनी में ही कहीं दूसरे जगह पे डिपॉजिट करते रहेगा। एक दिन ऐसा आता है जब किडनी फेल हो जाता है। रीजन यही होता है कि आप लगातार दवा लेते रहें, बीमारियों को जड़ से हटाने की वजह उसे दबाने की कोशिश करते रहें और दबाते रहें, जब किडनी कैपेसिटी से बाहर निकला तो किडनी फेल हो गया। इन द सिमिलर वे लीवर के साथ होता है, लीवर की समस्या है तो उसमें भी आप मेडिसिन लेते रहते हैं, लीवर की भी कैपेसिटी जब ख़त्म होती है तो लीवर सिरोसिस, लीवर फेल हो गया, इस तरीके का आपको सुनने को मिलता है। बाद में ट्रांसप्लांट करवाइए, और करवाने के बाद भी, क्योंकि आपका जो बेस है, बेस से ही ख़राब है, जो ट्रीटमेंट का मेथोडोलॉजी है वही ख़राब है, तो बीमारियां ठीक नहीं हो सकती जड़ से। और यदि आप ट्रांसप्लांट करवा भी लेते हैं तो, क्योंकि बॉडी में वही सब कुछ बन रहा है, टॉक्सिन्स वही डिपॉजिट बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे भी फिर से ख़राब हो जाएगा, फिर से ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप ऐसे मेथड को ले कर चलें जो जड़ से बीमारियों को ठीक कर दें, क्योंकि जड़ से बीमारियाँ जब ठीक हो जाती है तो बीमारी को फिर से आने में 25-30 साल लगते हैं। यदि आप गलत खान पान भी है आपका, फिर भी बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर इतनी क्षमता है कि 20-30 साल तक आपको चलाएगा, गलत खान पान के आदि करते रहें तब भी। तो इसलिए जड़ से बीमारियों को ठीक करने की कोशिश करें। तो चलिए आज दिखाते हैं कि आप बीमारियों को जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं और रूट आउट कैसे कर सकते हैं, इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं कोई भी बीमारियां हो शरीर के अंदर। तो पहले हम ऑर्गन को लेकर चलेंगे, किडनी, लीवर और गॉल ब्लैडर, जो कि मेजर ऑर्गन माने जाते हैं। यदि ये ऑर्गन ठीक रहा तो हार्ट आपका ठीक रहेगा, ब्रेन आपका ठीक काम करेगा, और जब ये सारा ठीक काम करेगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ समझे जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहला अभ्यास होता है हॉट वाटर इमर्जन का। जैसे किडनी में डिपॉजिट जो भी टॉक्सिन्स है उसे निकालने के लिए हॉट वाटर इमर्जन, उसके बाद उसमें आधे घंटा बैठने के बाद 10-10 मिनट से स्टार्ट करें। पहले दिन 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 40 मिनट, इस तरीके से बैठना तो 2 घंटे है, लेकिन स्टार्टिंग करें 10 मिनट पहले हॉट वाटर में बैठें। उसको बताएंगे कैसे करना है, तो उसके बाद जो करना है उसको पहले बता रहे हैं। इसमें करना है मॉडिफाइड शीर्षासन। मॉडिफाइड शीर्षासन का मतलब है कि आप सर पे जब डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं वो होता है शीर्षासन, लेकिन मॉडिफाइड शीर्षासन में आपको सर के बल खड़े नहीं होना है। इसमें करना ये है कि आपको इस तरीके से टिल्ट होना है कि ग्रेविटी के फोर्स के कारण ब्लड का सर्कुलेशन आपका ब्रेन हार्ट एरिया में ज़्यादा हो सके ऑटोमेटिक अपने आप, और हार्ट को कम काम करना पड़े, तो वो तभी संभव है जब आप इस तरीके से, मतलब मान लीजिए आपका हेड इधर है तो इस तरीके से यदि आप रहेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन इधर से हेड की तरफ ऑटोमेटिक होगा। तो इसके लिए आपको अरेंजमेंट करना है, या तो आप सोफे का बना सकते हैं, या तो एक बेड आता है सिंगल बेड उसे भी बना सकते हैं, या पलंग में भी 3-3 ईंटें लगाकर बना सकते हैं। तो मैं अपना अरेंजमेंट आपको दिखाता हूँ। मैं तो एक टेबल पहले से पड़ा था, उसी को बना चुके हैं, तो आप देखिएगा। ये टेम्पोररी अरेंजमेंट है, कभी भी आप इसे
मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इधर इतना टिल्ट कर दें और दूसरे साइड सेम रहने देंगे। इसमें लेटना किस तरीके से वो आपको दिखाएं। लेटने के दो मेथड हैं। यदि आप कोरोना से गुजरे हैं और कोरोना आपको यदि हुआ था, लंग्स में दिक्कत आ गई है, या बोल रहे हैं कि फेफड़े एल्वोलाइज जो होते हैं वो सिकुड़ चुके हैं आपके, यदि इस तरीके की समस्या है तो आपको पेट के बल लेटना है ताकि रिकवरी बिल्कुल फास्ट हो। 20 से 30 दिन के अंदर अंदर रिकवरी हो जाएगा आपका। तो उसके लिए क्या करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से, पेट के बल लेट जाएंगे, पैर को यहाँ ऊपर और लेफ्ट पाम पहले, उसके ऊपर राइट, उसके ऊपर चिन या चिप इस तरीके से लेटेंगे और बिल्कुल लंबी गहरी श्वास भरेंगे, जितना लंबा गहरा आप श्वास भर सकते हैं। यदि पेट साइड से लेटने में दिक्कत हो, स्टमक साइड से लेटने में दिक्कत हो, तो सीधा लेट जाएंगे पीठ के बल स्पाइन साइड से। इस तरीके स्पाइन साइड से भी लेट सकते हैं। बिल्कुल ढीला, शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने ब्रीदिंग पे ही ध्यान बनाए रखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, जितनी लंबी गहरी श्वास आप भरेंगे उतनी फास्ट रिकवरी आपकी संभव है। इसके इफेक्टिव को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इफेक्टिवनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जब जब आप सांस छोड़े तो मूल बंद का अभ्यास करेंगे। मूल बंद इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्टिंग योर एनस पार्ट एंड पेरिनियल एरिया अपवर्ड, दोनों को ऊपर की ओर खींचेंगे, गुदा मार्ग और पेरिनियल एरिया को ऊपर की ओर जब खींचेंगे, जैसे यूरिन पास करना हो तो, और आपको स्पेस नहीं मिल रहा हो तो आप रोकने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके उस तरीके से खींच के रखेंगे। कब, जब आप सांस को बिल्कुल बाहर छोड़ देंगे तब 5-5 सेकंड के लिए इस अभ्यास को करेंगे मूल बंद का, तो इसके इफेक्टिवनेस को डबल कर सकते हैं, दुगना फायदा होगा। इस तरीके से आप लेटेंगे, फिर धीरे से लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए, हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से उठेंगे और इसके बाद तुरंत चलने नहीं लगेंगे। थोड़ा सा सत्संग आसन में रिलैक्स करेंगे, सत्संग आसन में रिलैक्स करेंगे, फोरहेड को ग्राउंड से टच करेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से पहले रिलैक्स कर लेंगे, कहीं पे बेड पे कर लें या कहीं कर लें, लेकिन इस तरीके से थोड़ा रिलैक्स करेंगे ताकि बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मलाइज हो सके। इतना करने के बाद अब करेंगे हॉट वाटर इमर्शन, आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि करना तो पहले है लेकिन दिखा रहे हैं अभी। हॉट वाटर इमर्शन के लिए आप क्या करेंगे, किस तरीके का आता है, बच्चों के लिए बड़े के लिए जो भी आता हो, इस तरीके का ले लेंगे या जो भी अरेंजमेंट आप बन सके, क्योंकि इसमें नाभि से लेकर पूरा पैर और नाभि पानी में होना चाहिए। यदि वो नहीं तो इस तरीके का अरेंजमेंट, ये जुगाड़ आप कर सकते हैं, या तो ये यदि रेडीमेड लेना चाहें तो अमेजन पे अवेलेबल है हॉट वाटर बाथ टब के नाम से, तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो सभी के लिए संभव नहीं, इसीलिए इस तरीके का अरेंजमेंट मैंने कर रखा है। अब इसे करना कैसे हो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से करने के लिए तो इसमें आप सिंपल इसमें बैठ जाएंगे इस तरीके से, यहाँ जब आप बैठ जाएंगे इसमें, इस तरीके से जब आप बैठ जाएंगे
देखो इस तरीके से बैठ जाएंगे तो आपका नाभि तक पानी आएगा ऑटोमेटिकली, नेवल सेंटर तक वाटर होगा। पैर को सीधे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी रख सकते हैं पैर को हॉट वाटर में, और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री रहेगा। और यदि ये अरेंजमेंट नहीं है तो दूसरा भी आप कर सकते हैं, दूसरे अरेंजमेंट के लिए इसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि पानी में आपका पैर से लेकर नाभि तक, नाभि से ऊपर तक पानी होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं गॉल ब्लैडर किडनी लीवर, वो नाभि के ऊपर तक ऑर्गन्स अपने रहते हैं, तो उस ऑर्गन में टेम्परेचर दे के उसके हिट्स ऑफ प्रोटीन को एक्टिवेट करके टॉक्सिन्स को निकालना होता है। तो इस तरीके से आप जब करेंगे तो आप देखेंगे 10-15 दिन के अंदर अंदर ही आपके जो सिम्टम हैं वो चले जाएंगे और एक्टिवनेस आपके बॉडी के अंदर बढ़ता चला जाएगा, और फिर आपकी जो बीमारी है वो जड़ से समाप्त होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, हैव अ ग्रेट डे, फिर मिलेंगे। और किसी भी तरीके की रिक्वायरीज हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8800730473 पे और पूछ सकते हैं अभी कोई समस्या, वीडियो कॉल करके भी आप और दिखा सकते हैं आपका अरेंजमेंट किस तरीके का है, ठीक है नहीं है। टेम्परेचर 40 डिग्री से कम नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर ही रखें, 41-42 रखें। और किसी किसी का बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बियर कर पाता तो उस कंडीशन में आप 40 ही रखें, वो आप देख लें, आप एक बार डूब कर देखें उसमें और फिर चेक करें कि आपकी बॉडी का जो बियरेबल टेम्परेचर है वो क्या है, चेक करें उसके बाद करें। किसी भी प्रक्रिया को करने में ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, कंफर्टेबिलिटी का ध्यान रखें, जो चीज़ नहीं आता हो उसको अपने आप से ना करें, एक बार पूछ लें उसके बाद करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हैव अ ग्रेट।